इसलिए मैं चाहूँगा कि हम अपने परिवार के बारे में आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में बताऊँ। बहुत दूर न जाकर 1857 में हमारे घर में अनमोल सिंह फांसी चढ़ा दिए, कोई जमींदार हो तो पुराने माने। जिन लोगों ने 1857 के आंदोलन गताई की, उन्हें अंग्रेजों ने जमींदारी सौंपी। वो जमींदार हम लोग जमींदार नहीं, हमारे जमींदार राय भी चल राय गोविंद चल, हम उनकी प्रजा। जब सब कुछ छीन लिया गया 1857 और 12-13 साल के बाद लोग अपने गांव में लौटे, अब आप यह न सोचें कि सब कुछ छीन लिया गया। 40 अंग्रेजों को जिंदा गोमती नदी में हथियार लूट करके धौरारा ग्राम के वासियों ने जहाज लूट लिया और उन्हें मौत घाट उतार दिया। उसने मारा बनारस और कोई फौज उसने आकर के हमारे यहाँ के मल्लाही खोला और हमारे पठानों उनके घरों को तोपों से उड़ा दिया और जितने लोग मिले उनको फांसी लटकाया, जिसमें 172 को फांसी पर लटकाया। ये सब के नाम मेरे पास है कि 172 को कौन लोग थे, किनके घरों के थे, उनका नाम क्या है, कौन में। अभी मैंने लोगों को बताया कि घर चुनाव में बन जाए। उस निर्माण की प्रक्रिया में हमारे घर में मार्कंडेय सिंह वकालत करते हुए राजनीति में आए और अपने 7 साल की सजा पूरी अच्छी तरह से याद है, बड़ी बड़ी आंखें और उन्होंने मेरे हाथ में झंडा थमा के कहा कि तुम मेरी तीसरी पीढ़ी हो, नारा लगाओ, संघर्ष जारी रखे। मैं छोटा बच्चा, पिताजी जिससे नेहरू प्रभावित है मुझसे नहीं, वो अपनी माँ और अपने पिता से, अपने दादा से प्रभावित है, पिता से। उनकी माँ तो नौकरी में आ गए, बाहर जा रहे, अब शांति कुमार सिंह को मेरे पिता से, उन्होंने नौकरी त्याग किया और खेलने कलेक्टर को कचहरी में मारा, ग्राम सुधार अधिकारी को और 16 लोगों को 6-6 महीने की सजा, 30 रुपया जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर 1 महीना की कड़ी कैद की सजा। इस वातावरण मैं अपने कुल सबसे बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं अपने दादा के पोता या बच्चा, बड़ा मेरे दादा 5 भाई थे, उसमें लताब सिंह वो उस जमाने में इसका प्रभाव मेरे ऊपर जबरदस्त पड़ा। और जब मैं हाई स्कूल में आया 1957, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि मैं 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हूं और अपने गांव में नवाब सिंह की प्रेरणा से हमने हरवाहों की हड़ताल करा दी और अपने मजदूरों की मजदूरी 8 रुपया में 2 रुपए से और 1 बीघा के हंगामा मचा। कमिश्नर और कलेक्टर गए, छेदी मास्टर उस समय थे, चौकेपुर में पढ़ाते थे, भी थे और बाद में एलसी भी हुए थे, उन्होंने हमारा साथ दिया और पूर्वांचल में पहली बार 8 रुपये मंजूरी। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहिए, जब मैं पढ़ के निकला
और रोज पुलिस आती थी, रोज पकड़ती थी, रोज जेल जाते थे। तो कांग्रेसी कुछ अपशब्द नहीं कहूंगा, मैं माँ बाप का अकेला था, मुझे घर से निकाल दिया। उन विपरीत परिस्थितियों में मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। मैं 3 साल का एक टाइम चना खा के रहा, उन विपरीत परिस्थितियों में मेरी कथन और लेनिन ने उन अभावों को देखा। तो मैं कैसे प्रभावित हुआ, मैं इनका नाम लेनिन नहीं रखा हूं, बीएचयू में पैदा हो गया, वहां के डॉक्टर डॉक्टरों ने वही लिखा लेनिन बार। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना कि लेनिन माने संस्कृत होता है सबसे ऊंचा, ऊंचा नियम नीचे चार का तख्ता पलटने के लिए रूस के नागरिकों ने लेनिन की उपाधि से विभूषित किए। ये नाम किसी का नहीं है, जैसे महात्मा गांधी कहे जाते हैं महात्मा, उसी तरह से लेनिन किसी का नाम नहीं है, ये टाइटल है, ये सबसे ऊंचा। जब हम इनके इनको लेकर के बॉम्बे जा रहे थे, चलती हुई पटरियों को देख करके इसने कहा कि क्या बाबूजी क्या है? मैंने कहा बकरी, इसका नाम क्यों है बकरी? मेरा पता था ठंडा, हमने कहा बेर बे करती है इसलिए बकरी। और तय किया कि जीवन काल में मैं इसे उस तरफ ले जाऊंगा जिस तरफ मेरे पिताजी जाना चाहते थे और नहीं जा पाए, और मैं जाना चाहता था और घर से निकाल दिए जाने के कारण नहीं जा पाया। इन्होंने पढ़ाई की, डॉक्टरी पास किया, माफ कीजिएगा आपके बीच के लोग सोचते होंगे मेरा लड़का डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो। मेरे बच्चे को उससे कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहूंगा, मैंने कहा खुशी से हम करो, और इस संघर्ष में हमें तुम खड़ा पाओ, हम तुम्हारे साथ हो। तुम जिस समय संघर्ष में कूदे, उनके प्रारंभिक काम से हाँ भाई साहब मैं बैठे रहे, मैं संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं भगत सिंह के विचारों से ज्यादा प्रभावित था और मुझे भगत सिंह चाहिए। कि अगर बाबा साहेब सतत विकास क्रम की प्रक्रिया में महान हो सकते हैं जाकर के और बुद्धिस्ट हो सकते हैं और महामानव हो सकते हैं, तो हमें उस रास्ते पर इनको ले जाना चाहिए। गांधी जी को वहां नहीं पहुंच पाए, देखिए मानिएगा गांधी जी वहां नहीं पहुंच पाए। अगर गांधी जी वहां पहुंचे होते तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में रखा होता, आगा खान के वहां नहीं। इसलिए अंग्रेजों के लिए, बोलचाल के लिए, भारत के लुटेरों के लिए, भारत के सामंतों के लिए गांधी नेता हो सकते, लेकिन बाबा साहेब उनसे बहुत ऊपर है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन लेनिन ने अपने कार्य में कहा पिताजी हमको हम बहुत हो गए, हमसे नहीं चाहिए, हमने कहा भाई जब बेटा बहुत हो गया तो हम तो स्वतः हो गए, चलो हमने जहाज का वो उपक्रम तोड़ दिया। और तब लड़के का नाम कबीर रखा गया। क्या बात है, जाति तोड़ो, लेकिन खतरे भी बहुत। मैं बराबर इन्हें आगाह करता रहता हूं, थोड़ा सा भाई बनाया व्यवहारों में भी और कर्म में भी शुद्ध रूप से कम्युनिस्ट।
भाई साहब को नहीं मालूम मैं ज्योति बसु के साथ ही जेल में रहा 8 दिन तक और उन्हें हिंदी पढ़ाता रहा। तब उन्होंने बेनिया में हिंदी भाषण दिया लेकिन मैं माओ के चेहरा कहता है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे पूर्वज बुद्ध थे उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उन लोगों की औलाद है वहां जिस मुल्क में 4 देवता प्रतिष्ठित न हो वह देश नहीं माता मातृभूमि मातृभाषा और मनुष्य। और आप से गाली देते क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं आप तो यह पढ़ते हैं कि लड़के आप आए घर बीबी ने जेब में हाथ डाला और कहा कितनी आज की कमाई है भाषण करेंगे चाय की दुकानों पर लफाजी मारेंगे और व्यवहार में पक्ष और पथिक होंगे तो सतत विकास क्रम की प्रक्रिया में जो लेवी ने कदम बढ़ाया मैं कभी इनके सम्मेलन में नहीं जाता नहीं मानता। पहली बार भाई साहब मिले अरे मैंने कहा भाई मैं टूरिस्ट गाइड रहा हूं और मुझे भारत सरकार ने मेरा लाइसेंस छीन लिया इसलिए कि मैंने इंदिरा गांधी की शिकायत की मैं निश्चित हूं और मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि अधिकारी रहा हूं और अधिकारी रहने के सब लोगों को आधा पागल ही करते हैं इसलिए कि जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ा नहीं चाहे उसके बच्चे भूखे मर जाए लेकिन मैंने कतई नहीं छोड़ा अगर किसी की सुना कि मानवाधिकार की सूक्ष्म एकदम निचले तक के नक और मुसाहब कीजिएगा हजम मत कोई बुरा नहीं उनका छुपा पानी हजम भी नहीं पीता लेकिन उस तह में पहुंच गए इन्हें सरकार से खतरा है आप लोगों को बता देना चाहूंगा क्योंकि सरकार किसी भी दिन उन्हें अंदर कर सकती क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं और जब मानवाधिकार में हनन में भ्रष्टाचार का 90% हाथ है तो उस मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को वो कभी भी हटा सकते रास्ते से ये डर मुझे सताता है। अभी विगत दिनों इनकी हत्या की साजिश की गई थी सौभाग्य से ही बच गए समय से हम लोग सूचना मिली डरते नहीं आए हैं तो मरेंगे हम आए हैं तो मरेंगे लेकिन कोई हिंदू हो तो बुरा नहीं मानेगा राम की तरह से आत्महत्या करके नहीं मरेंगे हम उन्हीं के कुल में हैं मरेंगे तो संघर्ष करके मरेंगे। नमस्कार। बहुत ही सुनना बड़ा अच्छा लगा घर भगत सिंह को पैदा करने का काम किया बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपको और सुनना चाहते हैं हम लोग फिर कभी बुलाएंगे और टूरिस्ट गाइड एजेंसी से आइएगा खूब हम लोग गुड गाइड करिएगा और हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। हमारे बीच में हम सब बहुत देर से बैठे हुए हैं तमाम उत्ताओं का नाम काट करके हम चाहेंगे कि हमारे भाई डॉक्टर लेनिन अपने विचार हमें बांटें और बताएं कि इनको क्या क्या दुश्मनियाँ झेलती पड़ती हैं। वैसे बाबू जी के बात करना चाहूंगा कि अब लेनिन का परिवार बहुत बड़ा है क्या हम लेनिन के चुने के माँ बाप दूसरे होते हैं हम तो भैया वसुधैव कुटुंबकम की बात मानते हैं तो ये परिवार आपका बन गया है अब लेनिन बहुत बहुत बड़ा परिवार हो गया है। देखिए कभी 30-30, 40-40, 50-50 बच्चे आ जाते हैं मेरे घर आप भाई दिल्ली बैठे उनकी पत्नी बैठी हुई है कुछ लीजिए सब दरवाजे खोल देता हूँ रहो भैया आप नहीं रख सकते अपने घर में माफ कीजिएगा क्योंकि आपको लगेगा कि इंडेक्स का बच्चा टची कर देगा साफ कर देगा गड़बड़ कर देगा लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि वो घर जो है अब वो बाबा साहब का आश्रम है